देख इसके बाद वाला सब है, अभी जो हम लोग ने किया उसके जैसा ही है, ठीक है। एसेसेबल वैल्यू हम लोग को दे दी है 3 करोड़ रुपये। कस्टम ड्यूटी कितना दिया है? 10% दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, 3 करोड़ रुपये एसेसेबल वैल्यू है उसके ऊपर 10% कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, बराबर। और बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर 10% कंपलसरी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा इम्पोर्ट होगा तो 30 लाख तेरा आंसर आएगा, बराबर। उसका हम लोग 10% निकालेंगे तो 3 लाख आंसर आएगा, बराबर। तो टोटल कस्टम ड्यूटी तेरी कितनी जाएगी? टोटल ये सबका टोटल कर देने का मतलब 3 लाख, 30,000 और 3 लाख, 3 करोड़ आएगा, 30 लाख आएगा और 3 लाख आएगा। सब वो सबका अगर हम लोग प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी कितना हो जाएगा? 3,33,00,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद देख और कौन सा टैक्स दिया है? IGST दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी IGST दिया था। तो ये जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, IGST निकाल देंगे। तो IGST निकालेंगे तो कितना आएगा, 93,24,00,000 आंसर आएगा। उसके बाद भी देखिए एक और तेरे को सेस दिया है, कंपोजिशन सेस दिया है। कितना दिया है? 20% दिया है। तो कंपोजिशन सेस भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसके ऊपर 20% निकाल देंगे। देख फिर से पूरा क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू है कितनी, 3 CR है, 3 करोड़ है, कस्टम ड्यूटी कितनी, 10% है। तो 3 करोड़ यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, उसके 10% निकालेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 30 लाख आएगा और सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो भी है वो कंपलसरी बेसिक कस्टम ड्यूटी के 10% लगाई देना आएगा। तो 30 लाख के 10% निकालेंगे तो 3 लाख रुपये आएगा। ये 3 करोड़, 30 लाख और 3 लाख ये सब उस सबका प्लस करूँगा तो मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, 3,33,00,000 रुपये वैल्यू मिलेगी। ये जो 33 लाख का ना उसको इग्नोर कर दो, वो कुछ काम का नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेरे को दिया आएगा, ठीक है। ये तेरे को वैल्यू मिल गई। अब तेरे को करना क्या आएगा, IGST 28% है, कंपलसरी सेस कितना है, 20%। तो IGST ये जो वैल्यू है उसके ऊपर 20% निकालूंगा और यही वैल्यू के ऊपर मैं क्या करूँगा, कंपनसेशन सेस 20% निकालूंगा। अबे 3,33,00,000 के अंदर 93 लाख और ये 66 लाख समथिंग की जो भी वैल्यू है वो सबको मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरे को मिल जाएगी। अब देख यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एक्स लिमिटेड इज़ एलिजिबल टू टेक ITC। अब ITC तो किसके अंदर आ जाता था, GST यूनिट नंबर 3 और रेडी उसकी वीडियो अपलोड की हुई है कि बराबर ना, यूनिट नंबर 1 में भी हम लोग क्या करते हैं, ITC वगैरह लेते हैं। तो अगर किसी ने ना देखे हो तो पहले ITC देख लो। देख अब आउटपुट IGST कितना आएगा, 1.20 लाख से का मतलब 120 लाख का मतलब 1.20 CR 120 लाख रुपये तरह क्या आएगा, IGST तरह को पे करने का है। जबकि यहाँ पे तूने माल परचेज़ किया तो तूने IGST कितना पे किया, 93,24,000 बराबर है। तो 120 लाख मतलब 1.2 CR तेरे को पे करना था, उसमें तूने इतना तो तूने क्या किया हुआ है, इनपुट मतलब माल परचेस करने के टाइम पे तूने पे किया है, तो उसका तेरे को क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब तेरे को IGST इतना पे करना पड़ेगा,